नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। धनखड़ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से भी मिल चुके हैं। घरौंडा पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने मधुबन पुलिस अकादमी में पास आउट रेड का निरीक्षण किया। सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 42 करोड़ की दी सौगात। 3 परियोजनाओं का शिलान्यास और 7 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कर्ण स्टेडियम का सीएम मनोहर लाल ने किया शिलान्यास। 42 करोड़ की लागत से बना स्टेडियम। खेल मंत्री संदीप सिंह भी रहे मौजूद। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 4 और बैडमिंटन कोर्ट करनाल को दिए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर बोलते हुए कहा कि ओपी धनखड़ अच्छे खिलाड़ी हैं, सबकी चिंता करेंगे। अंबाला में कोरोना के कुल मामले 1100 के पार जा पहुंचे और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिससे कोरोना के संक्रमण की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके। अंबाला में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। लगातार कोरोना काल में फ्रंट पर आकर जिम्मेदारी निभा रहे नगर निगम में अब भी कर्मचारियों और अधिकारियों को आए दिन कई लोगों के साथ सीधे तौर पर संपर्क में आना पड़ता है। नगर निगम में हुई सैंपलिंग को लेकर के नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि निगम में पब्लिक डीलिंग निरंतर जारी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यहां स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग की है। रादौर में शिव कॉलोनी की एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया और साथ ही पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। शिव कॉलोनी में महिला कोरोना पीड़ित पाए जाने से इलाके के लोगों ने अपने घरों को सैनिटाइज किया। फिलहाल पुलिस टीम महिला की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल रही है। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि शुरुआत में लक्ष्य रखा गया है कि हरियाणा के गांव से 200 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया जाए और सड़क बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा गांव से निकलने वाले इस कचरे के प्रबंधन के लिए यह विशेष योजना बनाई गई है। चरखीदादरी ट्रैफिक पुलिस के 2 कर्मी एएसआई और पुलिस सिपाही 500 रुपए के मास्क के चालान को लेकर मारपीट हो गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रैफिक इंचार्ज राजवीर ने बताया कि मेरे संज्ञान में अभी मामला नहीं आया है, अगर ऐसी बात है तो दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में चालान के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। गुरुग्राम में मास्क न लगाने वालों से 64 लाख रुपए वसूले गए हैं। शहर में 13,000 लोगों के चालान किए गए जिनसे गुरुग्राम पुलिस ने जुर्माने के तौर पर लाख रुपए वसूले। रेवाड़ी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। एसएचओ और हेड कांस्टेबल भी मिले पॉजिटिव। एसपी ऑफिस के बाद अब थाना कसौला भी 48 घंटे के लिए बंद। रोहतक में कोरोना को लेकर पीजीआई से अच्छी खबर। पहले चरण में 20 व्यक्तियों पर सफल रहा वैक्सीन का ट्रायल। अब दूसरे चरण में 325 व्यक्तियों पर किया जाएगा दूसरा ट्रायल। कोविड सेंटर के सीनियर डॉक्टर करेंगे 325 वॉलंटियरों की जांच। पीजीआई के सीनियर डॉक्टरों का मानना है कि जिस तरह से ट्रायल सफल हो रहा है जल्द से जल्द मिलेगी पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर। चौहाना में बाढ़ की स्थिति को लेकर के प्रशासन ने कमर कस ली है। अब प्रशासन को 3 दिन पहले मिल जाएगी सूचना। बाढ़ का पानी, बरसाती नदी और नालों के जलभराव की एसडीएम चौहाना व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं मॉनिटरिंग। सभी जरूरी विभागों के अधिकारियों के साथ हो चुकी है विशेष बैठक। शहर में बारिश के जलभराव को लेकर भी विभाग सब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली आवास पर की मुलाकात।
चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर पहुंचे जेपी दलाल ने राजस्थान की सियासत पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बहुत कमजोर है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल करके और कर्ज माफी के झूठे नारे देकर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बनाई सरकार। तीन नए अध्यादेशों पर बोलते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के हक में ये सभी अध्यादेश सरकार किसानों के साथ, हम मंडी भी बढ़ाएंगे और एमएसपी भी बढ़ाएंगे। कैथल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आज कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। पानीपत के सभी 23 में स्थित इंदिरा कॉलोनी में हल्की सी बारिश होने के बाद भी सड़कों पर पानी का जमावड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 5 साल से वार्ड बदला, पार्षद बदला, विधायक भी बदल गए, मगर सड़कों की किस्मत नहीं बदली। नारनौल नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पूरे कस्बे का कचरा इकट्ठा कर भगत सिंह मार्केट के पास खाली पड़ी जमीन में लाकर डाल देते हैं, जिसको लेकर दुकानदारों में रोष। दुकानदारों ने नगर पालिका के सचिव को लिखित में कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका सफाई कर्मचारी कचरा यहीं पर डाल रहे हैं, जिसके कारण यहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पिथला के गांव सरूरपुर में प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में सैकड़ों लोग पिथला के विधायक नयनपाल रावत के निवास पर पहुंचे और उनसे वहां हुई तोड़फोड़ को लेकर के गुहार लगाई। विधायक नयनपाल रावत ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान उनका हुआ है वो अपने सैलरी से उसकी भरपाई करेंगे। महेंद्रगढ़ में कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए एसडीएम ने बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंटेनमेंट जोन में आने वाले दुकानदारों की दुकानें बंद करवाई। दुकानदारों ने आगामी आदेशों से पहले अपनी दुकानें खोली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस दौरान बिना मास्क न लगाने वालों के चालान भी काटे। कैथल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आज कोरोना के 6 नए मामले आए सामने। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही मंत्री के विभागों में कई घोटाले हैं। अभय ने कहा कि रजिस्ट्रियों में हो रहे घोटाले का पता लगाने के बाद ही सीएम मनोहर लाल ने रोक नहीं लगाई है। अभय चौटाला ने कहा कि इस घोटाले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। वहीं अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में जनता साफ बता देगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में आज इतनी फूट है कि अगर एक मंच पर साथ आ जाए तो एक आधे पर धारा 302 जरूर लगेगी। भिवानी में आज 4 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। अभी तक आए 136 केसों में से 88 ठीक हो चुके हैं। 15 लोगों को हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। करनाल में बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप से हजारों रुपए की लूट के बाद एक कर्मचारी को गोली मार दी। पूरी वारदात की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कैथल पुलिस ने नकली पेस्टिसाइड दवाइयों का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने मौके पर जाकर 2 गाड़ियों में से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पिकअप से 52 पेटी नकली पेस्टिसाइड पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। गुरुग्राम में सीएमओ को मिले गुप्त सूचना पर कोख के कातिलों का भंडाफोड़ हुआ। गाजियाबाद में अवैध लिंक जांच की जाती थी, दलालों के जरिए गुरुग्राम तक रैकेट फैला हुआ था। 20 से 30 हजार में लिंक की जांच की जाती थी। फरीदाबाद में मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शख्स को 2 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जोमैटो कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी छिन गई है और उसने गांजा बेचने का काम शुरू कर दिया। पलवल में एवीटी स्टाफ की टीम ने बावरिया गैंग के एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जो अपनी गैंग के साथ मिलकर के केजीपी के एमपी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कारों को पंचर कर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने 5,000 का इनाम भी रखा था। गैंग के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और पूछताछ के लिए आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में 3 वारदातों का खुलासा भी हुआ है।
मालखा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 35 पेटी नकली शराब और शराब तैयार करने वाली सामग्री बरामद की है। मौके का फायदा उठाकर के शराब तैयार करने वाली गैंग का सरगना फरार हो गया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों में से पूछताछ कर रही है और जल्द ही फरार शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जींद के गांव मनोहरपुर के पास बाइक और ट्रक के बीच टक्कर, सड़क हादसे में महिला और भतीजे की मौत, मृतक के गांव लोहचप के रहने वाले थे। मेवात में कोरोना से महिला की एक मौत हो गई है। जिले में मौत का आंकड़ा इसके साथ 10 पर पहुंच गया। रोहतक में शुगर मिल कॉलोनी के पास एक शख्स का शव मिला। पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है। जांच में पता चला कि शख्स की मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी। हालांकि शख्स की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। फतेहाबाद के भूना इलाके की खंड विकास पंचायत कार्यालय में शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। बीडीपीओ कार्यालय के ऊपर बने कमरों में ये लोग शराब पी रहे थे। रोहतक में कोर्ट परिसर से अपहरण कर व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हिसार बाईपास पर पुल के पास व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान खेड़ी महन के बर्खास्त पुलिसकर्मी के रूप में हुई है। गांव के लोगों पर लगा हत्या का आरोप। पंचकुला में एक घर में होमगार्ड का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी तकरीबन 2 सप्ताह पहले बच्चों के साथ मायके गई थी और होमगार्ड पर अकेला ही था। घर पर अकेला ही था। घर से बदबू आने से पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी। मोहना के गांव कटवाल में युवक की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव में मंदिर के पास सड़क किनारे पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। करनाल के घोंगड़ीपुर गांव के पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 35 साल के जसविंदर की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार वालों को घटना की सूचना दी। जसविंदर भटिंडा का रहने वाला था और काम काज के लिए 12 साल पहले करनाल आ गया था। जींद में 16 जुलाई को 2 सगी बहनों की हत्या हो गई थी। उस मामले में आरोपी पिता ने सरपंच के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चौहाना में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर वायदा खिलाफ एक आरोप लगाया और अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संगठन के महासचिव प्रदेश महासचिव ने कहा कि कर्मचारी के विरोध में श्रम कानून लागू किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने सरकार के प्रति विरोध जताया और शोषित कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। चारा में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों ने लोकेशन के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन किया और विभाग की भेजी गई पत्र की कॉपी भी जलाई। सभी कर्मचारियों को आंगनबाड़ी कार्यालय में बैठकर लोकेशन के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश दिए थे, जिसके विरोध में यूनियन की जिला सचिव की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। चौहाना में पीटीआई आवेदक संघ 2006 भी आंदोलन की राह पर उतर गया है, जिससे हटाए गए पीटीआई टीचर्स को मुश्किल बढ़ गई है। पीटीआई आवेदक संघ ने प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि पीटीआई आवेदक संघ ने अपने सभी साथियों के साथ चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसके चलते प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने सभी थानों चौकियों में वायरलेस सिस्टम को दुरुस्त करवाने के आदेश दे दिए। शहर की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए और पुलिस विभाग में वायरलेस सेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस बीच तेजी से बढ़ रहे सोशल मीडिया के क्रेज के बीच पुलिस ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहां इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी। राम मंदिर के 5 अगस्त को भूमि पूजन का रास्ता साफ, विरोध में दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। सीएम योगी अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात सीएम योगी ने की, वहीं अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि स्थल का भी जायजा लिया। दिल बेचारा 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म ने आईएमडीबी रेटिंग पर अपना रिकॉर्ड बनाया। एक समय ऐसा आया जब फिल्म को 10 में पूरे 10 की रेटिंग भी मिली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग
शूटिंग अक्टूबर महीने में फिर से शुरू की जा सकती है। कोरोना की वजह से फिल्म की शूटिंग लंबे समय से रुकी हुई थी। रणवीर जल्द ही अपने इस प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी को एक इनका वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में सुनील हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं। इस उम्र में भी सुनील शेट्टी की वो बॉडी और फिट रहने का जज्बा सभी को हैरान कर रहा है। फिल्म गली बॉय बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। फिल्म में वे आलिया भट्ट ने रणवीर सिंह के अपोजिट काम किया था। फिल्म में दोनों ने दमदार एक्टिंग भी की थी। एकता कपूर ने इस शो के खत्म होने से पहले ही नागिन 5 की घोषणा कर सभी को शॉक्ड कर दिया था। कोरोना लॉकडाउन के चलते सीरियल नागिन 4 को जल्दबाजी में खत्म किया जा रहा है। फिल्म मसान को शनिवार 5 साल पूरे हो गए हैं। नीरज घेवान के निर्देशन में बनी इस शानदार फिल्म को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिल्म शकुंतला देवी का सॉन्ग रानी हिंदुस्तानी रिलीज हो गया है। सॉन्ग को सुनिधि चौहान ने गाया है। सचिन जिगर ने इसका म्यूजिक दिया है। इस गाने को विद्या बालन पर फिल्माया गया। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर की शूटिंग दोबारा शुरू कर दिया। मलाइका का शूटिंग के दौरान एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मलाइका शूटिंग के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर 2 सीरीज की डबिंग का काम पूरा हो चुका है। मिर्जापुर 2 अक्टूबर में रिलीज होगी। मिर्जापुर के पहले पार्ट के बाद दर्शकों में सीरीज को लेकर क्रेज और भी बढ़ गया है और अब वेब सीरीज को रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अभिमन्यु सिंह स्टारर वेब सीरीज माय क्लाइंट वाइफ 30 जुलाई को शुभारो भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। माय क्लाइंट वाइफ इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज पहली।